धन्यवादिशु 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 ग्लोरी 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 हबरी बाहुलर खराबर तम जयम धन्यवादिशु 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 प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर रात में सुनाए दिया पिता परमेश्वर एक नया दिन दिखाया पिता इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं एक नया महीने में तो प्रवेश कराया पिता परमेश्वर इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा पिता और एक नया दिन दिखाया प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने आप को परिवार के सदस्यों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता अपने पंखों की आड़ में इनको छिपाए रख प्रभु जी कोई महामारी कोई बीमारी पिता परमेश्वर इनको छू भी ना पाए पिता परमेश्वर ये जिस घर में रहते हैं पिता परमेश्वर उस घर के चावो उत्तर पिता परमेश्वर यीशु के बाड़े बांधते हैं पिता स्वर्ग बाड़े बांधते हैं हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कोई महामारी कोई बीमारी पिता परमेश्वर इनको छू भी ना पाए पिता अपने पंखों तेरे महीने भर छुपा कर रख पिता परमेश्वर महीने भर संभाल कर रख पिता परमेश्वर हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर इनको तो पूरी करने जा रहा है पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता किसी बात की तो घटी नहीं होने देगा प्रभु जी हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन कहता है जो तेरे पीछे चलता है उनको किसी भले वस्तु की घटी नहीं होगी पिता हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इस वचन के लिए पिता परमेश्वर हम इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर चुके हैं पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो पिछले मंथ पिता परमेश्वर दारा दसवां उन सब भेंट और चर जमीन के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं प्रभु जी उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता और जितना भी भेजते हैं पिता वो उतने 100 गुना उनके जीवन तू आशीष उड़ने जा रहा है इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता जो चर जमीन के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता परमेश्वर उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर के घर को बनाने में सहायता प्रदान कर त्रिवचन कहता है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलता है उसको बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाता है हाँ प्रभु जी हम इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर चुके हैं इन सारे भाई बहनों को तू आशीष दे दिया पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो बंद रास्ते हैं तूने खोल दिया पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से भाई बहन प्रार्थना भेजते हैं पिता उनको घर बनने में रुकावटें आ रही है पिता जो भाई बहन चर्च जमीन के लिए भेजे हैं पिता उनके तू घर को बना दिया है पिता हम धन्यवाद देते हैं जो बधाएँ आ रही थी बधाओं को तूने तोड़ दिया है हम धन्यवाद देते हैं सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो बीमार पड़े हैं पिता वो दवाई खा के थक चुके हैं वो थके मान तेरे पास आए हैं इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मैं पियो घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए उससे प्रार्थना कीजिए उससे प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु ये जो बीमार पड़े हैं पिता उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमारी इनके अंदर कार्य कर रही है पिता पुत्र पौत्रात्मा की सामर्थ्य नाम में हम उसको जला के शून्य करते हैं उसको हम चंगाई की घोषणा करते हैं प्रार्थना सुनने वाले देखने वाले हर एक व्यक्ति पौत्रात्मा की समर्थ से भर जाए समय ग्लोरी टू गॉड रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम धन्यवाद यीशु रक्तम जयम पिता इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान किया धन्यवाद देते हैं पिता हम प्रार्थना करते अपने भारत देश के लिए पिता परमेश्वर भारत देश में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता जो बीमारी फैल रही है जो महामारी फैल रही है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में हम उसको जला के शून्य करते हैं पिता ओ जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इस महीने के अंत तक ओ खत्म हो जाए पिता दुनिया और संसार से पिता इस भारत देश से पिता ग्लोरी टू गॉड जो भाई बहन पिता इस महामारी से बीमार पड़े हैं उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता उन सबको हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता अपने पंखों के आड़ में छुपाए रख पिता वो इस महामारी से ग्रसित ना होने पाए पिता वो जहां भी रहते हैं पिता सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए इन सबको पंखों तेरे छुपाए रख यही हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता पूरे संसार दुनिया के लिए पिता खास करके पिता परमेश्वर इटली फ्रांस अमेरिका स्पेन ईरान के लिए पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इन जगह प्रकट हो जाए पिता इस देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कोरोना से अधिक तरी करुणा हमारे ऊपर है पिता अपनी करुणा की बरसात इन देशों पे करने जा रहा है पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता वो कहते थे पिता कोई प्रभु है ही नहीं कोई गॉड है ही नहीं
वो तेरी ओर फिर रहे हैं पिता, वो अपने जीवन को उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो महामारी से बचाया पिता, आजादी दिलाया, छुटकारा दिलाया, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं पियो आज आप जिस देश में रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आपके प्रार्थना करने से वो देश बचाया जाएगा, वो शहर बचाया जाएगा, वो गाँव बचाया जाएगा, वो मोहल्ला बचाया जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन सब देशों को तो आजाए दिला दिया पिता, इस महामारी से हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो विदेश में रहकर कार्य करते हैं पिता, वो जिस देश, जिस गांव, जिस शहर, जिस देश में रहते हैं पिता, उस जगह में उनके द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं, कोई महामारी, कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए पिता। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक समस्याओं को हम इनके जीवन झुड़काते हैं, भगाते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं। इन सबको तू आजाद दिलाया, छुटकारा दिलाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, वो हर जगह थक चुके हैं पिता, वो प्रार्थना में भेजे हैं पिता, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो जो दवाई खाते हैं पिता, उस दवाई को हम आशीष करते हैं पिता। तूने अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों चलाया, मूर्तों को जिलाया, ये आशीष भी तूने के जीवन में देने जा रहा है, विश्वास करने वालों के जीवन में। धन्यवाद देते मैं पियो, घुटनों प्याग कर आंसुओं को गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, असंभव को संभव कर जीत परमेश्वर आपके बीच में है। मैं पियो उससे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो दवाई नहीं कर सके, डॉक्टर नहीं कर सका, जीतों का परमेश्वर करने चाह रहा है पिता। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। ग्लोरी 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 ग्लोरी, रक्तम जयम रक्तम जयम। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना देख रहे हैं विश्वास के साथ देखिए उनके लिए, जो दूसरे के लिए प्रार्थना देख रहे हैं विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, उनके फोटो पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, वो जब सो जाते हैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। मन में परमेश्वर आपके द्वारा उस व्यक्ति का मन को बदलने चाह रहा है। हर एक दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, टोहिंद की आत्मा, बुरी आत्मा, अंधकार की आत्मा, यीशु मसीह का नाम इनके जीवन से घर से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है पिता, उस घर के चावो होते छोड़ो बांधते जनऊ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश है वो जियाला, वचन का सामर्थ्य शांति तेरे नाम से आ जाए। इन सबको आज दिलाया, धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर से हम भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये हमारे पिता जल्द से जल्द इस भारत देश से दूर हो जाए, संसार इससे आजाद हो जाए। ये भारत देश पिता परमेश्वर तेरे नाम से हम आशीष करते हैं। वो महामारी को हम जला के शून्य करते हैं और झिड़काते हैं, भगाते हैं, भारत देश से हम आजादी की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने ऐसा कर दिया पिता। एक बार फिर से उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भाई बहन पिता दान राशि, दशमांश, भेंट और चर जमीन के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। अपने पंखों तरह छुपा कर रख पिता, कोई महामारी कोई बीमारी पिता इनको छू भी ना पाए पिता परमेश्वर। इनके बंद रास्ते को तू खोलने जा रहा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो भेजने वाले हैं पिता, उनको भेजने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, उनको वचनों में बनने में सहायता प्रदान कर पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं, इन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं, प्रार्थना सुव धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते सुंदया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको महीने भर संभाल के रखेगा, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखेगा। कोई बीमारी कोई महामारी आपको छू भी नहीं सकेगा, किसी चीज़ की घटी कमी भी आपके घर में आपके जीवन में नहीं होने देगा। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।